दोस्तों, आज हम सिंपल पापड़ की सब्जी बनाएंगे जो डेली शाम को खाने के रोटी के साथ बना के खाई जा सकती है। पापड़ की सब्जी के लिए मैंने एक कटोरी दही और एक बड़ी टेबल स्पून सरसों का तेल, एक चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा हींग लिया है, आधी चम्मच जीरा जीरा और मैंने 2 पापड़ लिए हैं और 1 गिलास पानी लिया है उसके अंदर मिलाने के लिए। सबसे पहले हम दही में हल्दी, धनिया पाउडर मिला लेंगे। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम गरम होने देंगे। मैंने गैस को इस समय थोड़ा तेज रखा है, तेल गरम आ जाए इसलिए। मेरा तेल आ चुका है, मैं अब इसमें जीरा डालूंगी। जैसे ही जीरा पक जाता है मैं उसके बाद हींग डालूंगी। हींग डालने के जस्ट बाद मैं इसमें मिर्ची ऐड करूंगी। मिर्ची के डालते ही मैं इसमें दही ऐड करूंगी। जब तक इसमें उबाली नहीं आ जाती जब तक आपको इसको चलाते रहना है। गैस से आप थोड़ी तेज कर सकते हैं। जब तक दही में उबाल नहीं आ जाए जब तक चलाते रहें, नहीं तो सब्जी फट जाएगी। मेरी सब्जी में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैंने इस दही की कटोरी में थोड़ा पानी डाल लिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। अब मैं दो से तीन मिनट के लिए इसको और चलाऊंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सब्जी में उबाल आ चुका है, मैं इसमें और पानी ऐड कर दूंगी। अब आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए और नमक डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। अब इसको आप उबलने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों, देख सकते हैं मेरी सब्जी में उबाल आ गया है। अब इसके अंदर आप पापड़ डाल दीजिए। जो मैंने 2 पापड़ लिए हैं मैं उनके ऐसे पीसेस कर रही हूँ। अगर आपको छोटे पसंद हो तो छोटे भी डाल सकते हैं। मैंने 2 पापड़ लिए हैं, मेरे को पापड़ थोड़े ज्यादा पसंद है। अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी ले सकते हैं। सब्जी उबलना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सिम करके गैस को सब्जी को ढक दूंगी और इसको पकने दूंगी। दोस्तों, मैंने इसको 5 मिनट तक पकाया है। अब आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल तैयार है, ना तो पतली है ना गाढ़ी है, पानी की कंसिस्टेंसी सही है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे अपन, और आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी से भी पापड़ की सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब करूंगी, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पापड़ की सब्जी बनी है। देखने के लिए धन्यवाद।